हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट बैच का 13वां दिन और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मराठा साम्राज्य, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने मुगल वंश खत्म कर लिया था। जिन लोगों ने वीडियोज नहीं देखी है अभी तक वो क्या करें, प्ले लिस्ट में जाकर के हमने प्ले लिस्ट लगा दी है, वहां पर जाकर के आप सारी वीडियोज देख सकते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है रितुल प्रताप सिंह। मैंने क्लियर किए हैं ये सारे एग्जाम लास्ट ईयर। आई हैव गेन 98% इन यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जामिनेशन। शुरुआत करते हैं आज का सेशन मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य की अगर बात करें तो जब 17वीं शताब्दी का 1650 ईस्वी के बाद वहां से शुरुआत होती है मराठा साम्राज्य की। और अगर आप देखेंगे तो अगर देखा जाए मराठा साम्राज्य के बारे में तो पूरा का पूरा मुगल वंश के नाक में गले में हड्डी बन गए थे। कौन? मराठे, है ना। जितने भी मराठा थे वो मुगल साम्राज्य के गले की हड्डी बन चुके थे। इवन कुछ समय, एक समय ऐसा भी आया जब मुगल बादशाह औरंगजेब को कई वर्षों तक दक्कन में मराठों के साथ भीषण संघर्ष में बिताना पड़ा, क्योंकि मराठा जो है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और मराठों के विरुद्ध लगभग 50 वर्षों तक चलते रहने वाला यह दीर्घ संघर्ष अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी सिद्ध होता है। और ये अगर बात की जाए मराठा साम्राज्य की तो शुरुआत होता है, इसकी शुरुआत होती है कब से, इसकी शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से, ठीक है। 17वीं शताब्दी से शुरू होता है मुगल साम्राज्य, सॉरी मराठा साम्राज्य, और ये खत्म शताब्दी, सॉरी ये शताब्दी ऐसा रहेगा, ठीक है। 17वीं शताब्दी से शुरू होता है मुगल साम्राज्य, सॉरी मराठा साम्राज्य, और खत्म कब होता है 1761 ईस्वी में एक युद्ध होता है, सबको पता होगा। इसका नाम क्या है? पानीपत का थर्ड बैटल है, तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वहां जाकर के ये खत्म होता है। तो 1761 में तक जो है ये अजय बने रहते हैं, 1761 तक एक भी युद्ध ये लोग हारे नहीं थे, है ना। अब मराठों के इतिहास की बात करें तो मराठों का इतिहास जानने के लिए आपको दो चरणों में इनका इतिहास डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो 17वीं शताब्दी के समय का जो टाइम पीरियड है, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के, है ना, शिवाजी, संभाजी, राजा राम तथा ताराबाई का समय आता है, और दूसरा उत्तरवर्ती मुगल का समय था जिसमें पेशवा वास्तविक राजा बन जाते हैं और छत्रपति से सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं, है ना। छीन क्या ली जाती हैं, वो नाम के केवल छत्रपति ही रह जाते हैं, बाकी सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में आ जाती है, ठीक है। धीरे धीरे मराठा नरेश छत्रपति जब पृष्ठभूमि से चले जाते हैं और केवल नाम मात्र के ही नरेश रह जाते हैं, है ना। और इस दौरान जो मराठों का प्रभाव था वो मध्य भारत से भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत तक फैलने लगा और मुगलों के वास्तविक उत्तराधिकारी होने का वो लोग स्वप्न देखने लगे थे। इसी प्रकार आधी शताब्दी में ही मराठा महान मुगलों और ब्रिटिश सत्ता के भारत में उदय के बीच एक पुल के रूप में क्या हो जाते हैं, पुल के रूप में बन जाते हैं कि भैया जो महान मुगल और ब्रिटिश सत्ता था वो भारत के उदय, वो जैसे ब्रिटिश सत्ता का उदय जब होता है तो मराठाओं ने मुगल सत्ता, मुगल को ख़त्म किया और फिर मराठाओं को ख़त्म करके जो अंग्रेज थे वो अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे शिवाजी से। शिवाजी सबको पता है ना, बताने की ज़रूरत है नहीं बहुत ज़्यादा इनके बारे में, है ना। शिवाजी के बारे में सब कुछ सब जानते होंगे। शिवाजी के जन्म की बात करें, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में, लिखा भी है मैंने 1627 से 1680 ये इनका समय है, काल है जब तक ये 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1627 ईस्वी में पूना में एक किला है जिसका नाम था सिवनेर किला, पूना के सिवनेर किले के अंदर इनका जन्म होता है, सिवनेर किले में इनका जन्म होता है। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था, पिता और माता का नाम है ना, पिता का नाम था शाहजी भोसले, पिता का नाम था शाहजी भोसले, और माता का क्या नाम था, माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है। माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके गुरु एक थे जिनका नाम है रामदास, ठीक है, गुरु थे इनके रामदास। और रामदास की एक किताब है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है जिसका नाम है दस बोध, दस बोध एक किताब है रामदास की, इसके रचयिता हैं। और महा शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। और आरंभ से ही शिवाजी का एक उद्देश्य था कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाए, खुद का राज्य हो, किसी दूसरे जो विदेशी आक्रमणकारी हैं इनको खदेड़ दिया जाए, ठीक है। इनका पहला सैनिक अभियान देखा जाए तो पहला सैनिक अभियान इनका
प्रथम सैनिक अभियान वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू होता है आदिल शाह के खिलाफ। प्रथम सैनिक अभियान शुरू होता है बीजापुर के, बीजापुर में था ना, बीजापुर के आदिल शाही राज के खिलाफ। ठीक है, यहां से इनका प्रथम अभियान चालू होता है और फिर ये लगातार इनका अभियान चलता ही रहता है ना। एक विजय है जिसका नाम है जावली। ठीक है, जावली पर इन्होंने विजय प्राप्त की कब? 1656 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था जावली वाला, है ना। अब शिवाजी की जो नीति थी, ये विस्तारवादी नीति थी कि हम धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे और धीरे धीरे सबको खत्म कर देंगे, इसी पर इसको रोक लगाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए 1659 ईस्वी में बीजापुर के, 1659 ईस्वी में बीजापुर ने क्या किया? बीजापुर ने अफजल खान, नाम सुना होगा इसका, अफजल खान को भेजा। और अफजल खान ने क्या किया कि आपने एक कहानी सुनी होगी किस तरह से दावत पे बुलाता है शिवाजी को और मारने का प्रयास करता है, लेकिन शिवाजी बड़े चतुराई से अपने बखनगों से इसकी हत्या कर देते हैं, अफजल खान की हत्या कर देता है। कौन? शिवाजी कर देते हैं, है ना, 1659 ईस्वी में। इसके बाद 1663 ईस्वी में दक्कन का मुगल का सूबे मुगल सूबेदार था जिसका नाम था शाइस्ता खान, शाइस्ता खान, और ये क्या था? ये था मुगल सूबेदार, है ना, शाइस्ता खान मुगल सूबेदार था। और ये क्या करता है? शिवाजी को समाप्त करने के लिए इसको भेजा जाता है, लेकिन शिवाजी क्या करते हैं? चोरी से पूना में प्रवेश कर जाते हैं और रात को शाइस्ता खान पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर देते हैं। और इस हमले में क्या होता है? इस हमले के बाद शाइस्ता खान का पुत्र भी मारा जाता है इस हमले में। और इस घटना से जो दक्कन में पूरे के पूरे दक्कन में जो मुगलों की प्रतिष्ठा थी वो खत्म होती है, लोगों के बीच से उसका डर, मुगलों के डर का जो डर है वो खत्म हो जाता है। और शाइस्ता खान के बाद औरंगजेब का पुत्र था 1663 ईस्वी के बाद, शाइस्ता खान के बाद किसको भेजा जाता है इसकी जगह पे? इसको रिप्लेस किया जाता है औरंगजेब का पुत्र जिसका नाम था मुअज्जम। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को भेजा जाता है किस चीज के लिए? कि आप जाइए और शिवाजी को हराइए। मुअज्जम को भेजा जाता है दक्कन का सूबेदार बना करके, है ना, औरंगजेब का पुत्र इसको रिप्लेस कर देता है शाइस्ता खान को। ठीक है, तो 1663 ईस्वी में क्या होता है? ये जो पूरी कहानी मैंने आपको समझाई कि शाइस्ता खान को शाइस्ता खान को भेजा जाता है कि आप जाकर के शिवाजी को समाप्त करिए, लेकिन शिवाजी क्या करते हैं? चोरी से पूना में प्रवेश करते हैं और रात को शाइस्ता खान पर आक्रमण करके उसको खत्म कर देते हैं। और शाइस्ता खान के साथ साथ उसका पुत्र भी मारा जाता है, और औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को दक्कन का सूबेदार नियुक्त करके भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? दक्कन। ठीक है, इसके बाद 1664 ईस्वी में एक लूट होती है, 1664 ईस्वी में सूरत की लूट होती है। और सूरत की लूट में ये कौन करता है? ये शिवाजी करते हैं ना। सूरत की लूट होती है और इससे भी मुगलों की प्रतिष्ठा को फिर से आघात पहुंचता है। और सूरत की लूट के बाद एक और लूट प्रसिद्ध है, अहमदनगर की लूट। ये दो लूट होती है, दो जगहों पे लूट की जाती है अहमदनगर की। और इसके बाद क्या होता है? 1665 ईस्वी में एक घटना होती है जिसमें होता ये है कि औरंगजेब ने आमेर के कछवाह राजा जय सिंह को भेजता है किस लिए? शिवाजी को हराने के लिए। और जय सिंह क्या करता है? जय सिंह वज्रगढ़ को जीत करके, वज्रगढ़ जीतता है। और वज्रगढ़ जीतने के बाद शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लेता है। कहाँ पे? पुरंदर के किले में, पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लेता है। और पुरंदर के किले में घेरने के बाद शिवाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और 1665 ईस्वी में ही 22 जून 1665 ईस्वी में एक संधि होती है जिसका नाम है पुरंदर
पुरंदर की संधि, और ये किसके बीच में हुई थी। इसमें अगर पुरंदर की संधि का क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर जय सिंह और शिवाजी बोला गया है तो आप जय सिंह और शिवाजी लगाओगे, अगर ऑप्शन में जय सिंह शिवाजी नहीं है तो शिवाजी और औरंगजेब लगाओगे, है ना। पुरंदर की संधि होती है और पुरंदर की संधि में शिवाजी से 23 किला और 4 लाख हूड़ की वार्षिक आय मुगल मांगते हैं कि इतना मुझे देना पड़ेगा आपको, तो इतना शिवाजी हर साल दिया करते हैं। और शिवाजी के पास केवल 12 किले बचते हैं इसके बाद, और शिवाजी को मुगल आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है, है ना। इसके बाद शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध, बीजापुर साम्राज्य के विरुद्ध, जो बीजापुर में आदिल शाह था ना, तो उसके खिलाफ क्या करना पड़ता है, मुगलों के सैनिकों, मुगल सैनिकों की सहायता भी करनी पड़ती है, है ना। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा जाते हैं, 1666 ईस्वी में शिवाजी पहुंचते हैं आगरा, शिवाजी पहुंचते हैं आगरा, और यहीं पे एक भवन है जिसका नाम है जयपुर भवन। आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को औरंगजेब करवा लेता है, क्या, नजर बंद करवा लेता है, है ना, नजर बंद करवा लेता है, कौन, औरंगजेब, ओके। इसके बाद क्या होता है, 16 जून 1674 को, मतलब 66 से लेकर के 74 तक, 8 सालों तक, करीब 8 सालों तक शिवाजी यहाँ पे बंदी रहते हैं। और शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान, जो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था, एक पंडित विश्वेश्वर करके नाम था, ठीक है, उनके पंडित के, पंडित जी के नाम पे मत जाइए, विश्वेश्वर करके नाम था, एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो विश्वेश्वर ने क्या किया, इनका राज्याभिषेक करते हैं, 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है फिर से, और यहीं पे ये क्या करते हैं, उपाधि लेते हैं, किसकी, छत्रपति, छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं, कौन, शिवाजी, छत्रपति की उपाधि, उपाधि धारण करते हैं, और इसके बाद रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है, 53 वर्ष की आयु में। टोटल 53 वर्ष इनका शासनकाल रहता है, मतलब शासनकाल नहीं, सॉरी, 53 वर्ष ये जीवित रहते हैं। तो ये रहा शिवाजी के बारे में। अब थोड़ी सी बात करें शिवाजी के प्रशासन के बारे में, कि शिवाजी का प्रशासन कैसा था। ये तो शिवाजी के बारे में हो गई, कौन कौन से उनके अभियान थे, कहाँ कहाँ पे उनकी संधि हुई, कहाँ कहाँ पे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, वो सब उनके बारे में था। अब थोड़ा पढ़ते हैं हम शिवाजी के प्रशासन के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से इनका प्रशासन चलता था। तो सबसे पहले राजा या छत्रपति जिसको बोलते थे, राजा या छत्रपति, है ना, छत्रपति शिवाजी, सुना है ना, तो राजा या छत्रपति। तो राजा की जो संपूर्ण शक्तियां थी वो सबकी सब शक्तियां किसमें, शिवाजी में केंद्रित होती थी। ये राज्य के अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश, सेनापति सब हुआ करते थे। और इन्होंने क्या बनाया था, अपनी राजभाषा बनाया था, किसको, मराठी को। राजभाषा क्या थी इनकी, इनकी राजभाषा हुआ करती थी मराठी, है ना, मराठी को शासन की भाषा बनाया। और इसके अलावा इन्होंने अष्ट प्रधान की नियुक्ति की थी अपने अपने प्रशासन में, अष्ट प्रधान की नियुक्ति की गई थी। ये अष्ट प्रधान क्या होते हैं, एक एक करके मैं, चलिए हम देखते हैं, मैंने एक टेबल बना के रखी है, उस टेबल में देखते हैं अष्ट प्रधान क्या होते थे। तो सबसे पहले आते हैं पेशवा, पेशवा या फिर यही इनको मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री भी बोलते थे। तो इनका काम क्या होता था, संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना, है ना। उसके बाद आते थे अमात, या इन्हीं को मजूमदार भी बोला जाता था। इनका काम क्या होता था, राज्य के जितने भी आय और व्यय, मतलब जो भी खर्चे और जो भी इनकम का जरिया है, उसकी देखभाल करना, मतलब एक तरह से वित्त और राजस्व विभाग इनको दिया गया था। इसके बाद आते हैं मंत्री, या इन्हीं को वाकिया नवीस बोला जाता था। इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था राजा की दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करना, राजा का जो भी दैनिक कार्य है उसको लिखना, उसके बारे में, है ना, उसके बारे में क्या करना, उसके बारे में जो है उसको कहीं रजिस्टर में नोट करना कि राजा का पर डे का शेड्यूल क्या है, ये सब चीज़ें, है ना। वो काम क्या, कौन करता था, वो मंत्री या वाकिया नवीस करता था। उसके बाद आता है सचिव, या इसी को शुरू नवीस भी बोलते हैं। इसका काम क्या था, राजकीय पत्र व्यवहार या फिर परगने का हिसाब किताब रखना।
फिर आता है सुमंत या दबीर, ये क्या होता था, एक तरह से विदेश मंत्री हुआ करता था और इसका काम क्या होता था, राजा को संधि और युद्ध के बारे में सलाह देना। लास्ट में आता है सेनापति या सारे नौबत, सारे ए नौबत भी इसी को बोलते थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, एक ये इंपॉर्टेंट होता है और एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करना सब ही आपको याद है लेकिन ये तो भूलना ही नहीं है। इसका काम क्या होता है, सेना की भर्ती, संगठन, शिक्षा और रसद की व्यवस्था करना। सेवन तथा पंडित राव, इसका काम विद्वान और धार्मिक कार्यों में जो अनुदान होते थे उनका, अनुदान दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व तो निभाना। फिर आता था न्यायाधीश, ये राज्य की जितने भी दीवानी और फौजदारी मामले थे उनको देखता था, उनको निपटाया करता था, ठीक है। तो ये राष्ट्र प्रधान के बारे में, 8 लोगों की नियुक्ति होती थी और इनका काम क्या होता था, राज्य में जो भी अलग अलग काम है वो इन्हीं यही करते थे, है ना, एक तरह से प्रधान, एक तरह से मंत्री जान लीजिए, तो आज के समय में देखा जाए मंत्रिपरिषद, तो इनके यहाँ राष्ट्र प्रधान की नियुक्ति की गई थी। लगान व्यवस्था की बात करें तो शिवाजी ने अपनी आय का जो मुख्य साधन था वो बनाया था चौथ और सरदेश मुखी को, ये दो तरह के लगान लिए जाते थे, सरदेश मुखी, सरदेश मुखी और चौथ को अपना आय का मुख्य साधन बनाया था। और ये जो कर थे, ये जो टैक्स थे, ये टैक्स कहाँ से आते थे, ये पड़ोसी राज्यों की जो सीमाएं थी, है ना, और जो नगर से वहाँ से अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के से वसूले जाते थे। चौथ किसी प्रदेश की वार्षिक आय का एक चौथाई भाग होता था, आय का, रुकिए सॉरी, ये होता था किसी भी प्रदेश की आय का 1/4 भाग, इसीलिए इसका नाम चौथ पड़ा था, है ना। और ये क्या होता था, सरदेश मुखी क्या होता था, किसी प्रदेश की आय का 1/10 भाग, है ना, ये क्या होता था, ये होता था सरदेश मुखी, है ना। तो इसी तरीके से इनकी लगान व्यवस्था थी और इसी तरीके से सब कुछ चलता था। अब शिवाजी के मृत्यु के बाद क्या होता है, उनकी दो पत्नियों से दो पुत्र पैदा हुए थे, एक का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था राजा राम, और इनके बीच में क्या होता है, उत्तराधिकार के लिए विवाद खड़ा होता है। और जिसमें संभाजी की बात करें तो संभाजी क्या करते हैं, संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठते हैं, इनका राज्याभिषेक होता है, लेकिन ये काफ़ी अभिमानी, क्रोधी और विलासी टाइप का आदमी था, इंसान था संभाजी। और संभाजी ने क्या किया, 1681 ईस्वी में एक घटना होती है, ये भाई साहब क्या करते हैं, 1681 ईस्वी में औरंगजेब का एक पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र जिसका नाम था अकबर, औरंगजेब का पुत्र अकबर, और ये विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, और औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण देता है कौन, संभाजी। और शरण देने के चक्कर में ये क्या होता है, औरंगजेब ने संभाजी और उसके सहयोगी कवि जो थे कलश की हत्या करवा देता है और संभाजी के पुत्र साहू को बंदी बना लेता है। कब ये सब, ये कहानी होती है, ये होती है 1689 ईस्वी में, जब यही औरंगजेब हत्या करवा देता है किसकी, संभाजी की, हत्या कर देता है किसकी, संभाजी की। और संभाजी का एक पुत्र था जिसका नाम था साहू, और साहू को बना लेता है बंदी, ठीक है, तो साहू को बंदी बना लेता है। अब क्या होगा, अब जब ये घटना होती है तो जो मराठा साम्राज्य का था, वो जो सिंहासन था वो खाली पड़ा था, तो इसके बाद आते हैं राजा राम। और राजा राम जो, इन्होंने क्या किया, राजा राम ने क्या किया, इनको राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया, और 1689 से 1700 ईस्वी तक ये छत्रपति बने रहे। इसने क्या किया, अपने को, राजा राम ने अपने आप को साहू का प्रतिनिधि बनाया, बोला साहू का प्रतिनिधि, साहू का प्रतिनिधि समझ के, प्रतिनिधि, साहू का प्रतिनिधि समझ के राज किया और कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठा, है ना, किसने, कौन, राजा राम। साहू कौन था, साहू था इसके बड़े भाई संभाजी का बेटा, और संभाजी का बेटा था साहू, जो बंदी बना लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, है ना, प्रतिनिधि मानकर राज किया और कभी गद्दी पे नहीं बैठा। और 1700 में जब इसकी मृत्यु हुई, तो इसकी मृत्यु कब होती है, इसकी मृत्यु होती है 1700 में, और 1700 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि सिंहगढ़ में ताराबाई बैठती हैं गद्दी पे, और ताराबाई कौन थी, ताराबाई थी विधवा
रानी किसकी? राजा राम की। राजा राम की विधवा रानी थी, और ये बैठती हैं कहाँ पे? ये बैठती हैं गद्दी पे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, ताराबाई ने अपने, इनका एक बेटा था जिसका नाम था शिवाजी तृतीय। शिवाजी तृतीय ये कौन था? ताराबाई का पुत्र था। ताराबाई का एक पुत्र था शिवाजी तृतीय, और शिवाजी तृतीय को समर्थन करती है कौन? ताराबाई, है ना। अब होता क्या है, ताराबाई, तीन चार जगह है जो मैं बता रहा हूं। एक तो रायगढ़, रायगढ़ के बाद सतारा, और सतारा के बाद सिंहगढ़। ये तीन विजय है, ये तीन किले हैं, इनके किलों पर जीत दर्ज करती हैं कौन? ताराबाई। अब देखिए इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, एक महिला शासिका थी और इन्होंने मुगलों से छुड़वाया क्या? रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़, है ना, तो ध्यान में रखना है आपको। अब होता क्या है, औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या करने के बाद, संभा के जो बेटे थे शिवाजी द्वितीय यानी साहू, साहू को ही शिवाजी द्वितीय बोला जाता था, इसका ही दूसरा नाम था शिवाजी द्वितीय, है ना। 1707 ईस्वी में क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम ने साहू को आजाद कर दिया। बहादुर शाह प्रथम मुगल राजा थे ना, बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, साहू को आजाद कर दिया। और साहू आजाद होते हैं, और आजाद होने के बाद स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित कर देते हैं। और 12, अब देखिए मराठा राज्य में का शासक घोषित करेंगे, लेकिन वहां पे कौन है? वहां पे ताराबाई हैं, ठीक है। ताराबाई कहाँ पे हैं? जो है मराठा राज्य की जो है शासिका हैं, शिवाजी द्वितीय का समर्थन कर रही हैं। शिवाजी द्वितीय आ गए, अपने आप को बोल दिए मराठा राज्य का राजा तो मैं हूं। तो फिर इनके बीच में 1707 ईस्वी में ही एक युद्ध होता है जिसका नाम है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध होता है किसके बीच में? खेड़ा का युद्ध होता है साहू और ताराबाई के बीच में, साहू और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू क्या होते हैं? विजयी हो जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मदद से क्या होता है? साहू विजयी हो जाते हैं इस युद्ध में। इसके बाद अब मराठा में क्या हुआ, दो केंद्र बन जाते हैं मराठा शक्ति के, एक तो उत्तर में सतारा और दक्षिण में कोल्हापुर जिसमें ताराबाई थी। अब इन दोनों के मध्य जो शत्रुता है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक संधि होती है 1731 में, जिसको नाम दिया गया वारना की संधि। आपस में ही लड़बड़ रहे हैं, है ना। वारना की संधि होती है, और इसमें क्या होता है, अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए 1713 में बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया। किसने, ये किसने नियुक्त किया? ये नियुक्त किया साहू ने नियुक्त किया था। और फिर यही पेशवा आगे चल करके इनकी शक्ति में इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाती है कि छत्रपति के साथ क्या होता है, छत्रपतियों के साथ आपको मैंने बताया कि नाम मात्र के राजा रह जाते हैं ये लोग। तो 1731 में वारना की संधि होती है ताराबाई और साहू के बीच में, और इनका जो बवाल चल रहा था, है ना, वो खत्म होता है। अब आता है पेशवाओं का शासन। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक स्थायित्व तो है उसको शांति प्रदान किया किसने? पेशवाओं ने। और सब पेशवाओं की बात की जाती है, हाँ, मराठा राज्य का सब कुछ बन चुके थे पेशवा एक समय के बाद, है ना। पेशवा जो थे वो पूरा राजा का काम करते थे, है ना, और बाकी जो राजा थे वो केवल सुनते थे, नाम मात्र के राजा रह गए थे, नाम मात्र के छत्रपति रह गए थे। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक, बालाजी विश्वनाथ को पढ़ेंगे हम। तो देखिए ये थे क्या, ये थे ब्राह्मण वंश के, इनका जो वंश था वो क्या था? ब्राह्मण था, पेशवा सभी ब्राह्मण ही थे। और अपनी योग्यता और शक्ति के बल पे इन्होंने उन्नति करते करते मराठा राज्य का सर्वेसर्वा बन जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने ताराबाई के खिलाफ जो युद्ध हुआ था खेड़ा का युद्ध, उसमें बालाजी विश्वनाथ की ने मदद किया था। किसकी? बालाजी विश्वनाथ की मदद किसने किया था?
बालाजी विश्वनाथ ने किसकी मदद किया था, साहू की मदद किया था, है ना। अच्छा, बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं दूसरे पेशवा जिसके जिसका नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, और इनका जो समय काल देखा जाए तो 1720 से 1740 ईस्वी तक माना जाता है। और ये किसके पुत्र थे, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, कौन, बाजीराव प्रथम, है ना। अब देखिए, बाजीराव ने, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला काम जो अगर आपको देखा जाए तो मराठा परिसंघ, मराठा परिसंघ की स्थापना की किसने, किसने की, वो की बाजीराव प्रथम ने, है ना, मराठा परिसंघ की स्थापना की। और इसने होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले सबको अपने साथ ले लिया। अपना जो केंद्र बनाया बाजीराव प्रथम ने, वो पूना को केंद्र बनाया, पूना को अपना केंद्र बनाया, शक्ति का केंद्र बनाया बाजीराव प्रथम ने। इसके बाद 1728 ईस्वी में एक युद्ध इन्होंने लड़ा, किससे लड़ा, ये होता है बाजीराव प्रथम, सॉरी बाजीराव प्रथम तो है ही, सीधा लिख दूं दूसरा शासक, है ना। दूसरा शासक कौन था, एक तो बाजीराव प्रथम रहेंगे, दूसरा कौन रहेगा, दूसरा था निजाम उल मुल्क। और ये कहां का शासक था, ये शासक था, निजाम था तो कहां का रहेगा, हैदराबाद का था, हैदराबाद में ही सारे निजाम थे ना, हैदराबाद का शासक था निजाम उल मुल्क। और इसके बीच में एक युद्ध लड़ा गया जिसको बोला गया पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, जिसमें क्या होता है, निजाम उल हल्के की हार हो जाती है। हार के लिए मैं क्रॉस सिंगल लगाता हूँ, क्रॉस साइन का यूज करता हूँ। और जीतता कौन है, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम विजयी होता है किसमें, पालगढ़ के युद्ध के अंदर, है ना, ठीक है। तो 20 वर्ष की अल्पावधि में ही बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य का पूरा चरित्र बदल के रख दिया और मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदल दिया, जिसका प्रसार अब उत्तर दिशा में भी होने लगा था, मतलब अपने साइड ये भी ये लोग आना चालू कर दिए थे। इसके बाद आता है कौन, बालाजी बाजीराव आता है और इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली। अब कोई नहीं बचा, अब पूरी की पूरी शक्ति, राज्य की पूरी शक्ति आ गई किसके हाथ में, वो आ गई बालाजी बाजीराव के हाथ में, है ना। और इसके काल में ही एक युद्ध लड़ा गया जिसके बारे में आपको पता होगा, जानते होंगे आप, पानीपत का तीसरा युद्ध। और ये होता है कब, ये होता है 1761 में। और इसमें मराठों के जो सेना, मराठों का जो सेनापति था बालाजी बाजीराव, वो कौन था, सदा, उसका जो शादी जो सेनापति था उसका नाम था सदाशिवराव भाऊ, जबकि दूसरी तरफ कौन था, अहमद शाह अब्दाली। तो मराठाओं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया और मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था, वो कर रहा था बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई जिसका नाम था सदाशिवराव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ। और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है 2x2 की टक्कर और इसमें मराठा जो होते हैं, मराठा हार जाते हैं, मराठे हार जाते हैं, मराठाओं की हार होती है। और यहीं से जो पूरी की पूरी मराठा साम्राज्य है वो खत्म हो जाता है। पानीपत की हार जो इनकी मराठों की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। और तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय कर लिया कि भारत में कौन राज नहीं करेगा, है ना। अब इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका रास्ता साफ हो गया और फिर काफ़ी समस्या होती है, क्या क्या होता है सब आपको पता है। लास्ट बाजीराव, अंतिम पेशवा कौन था, अंतिम पेशवा था जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। इसका समय काल देखा जाए तो 1795 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। और इसे अंग्रेजों ने क्या किया, कानपुर के निकट बिठूर नामक एक जगह है जहां पर ले जाकर के
मतलब उसका वो निवास ही चेंज कर दिया कि आप यहाँ रहिए, निर्वासित करना जिसको बोलते हैं। और 1818 में पूना अंग्रेजों को मिल गया और इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो जाता है। कब? 1848 ईस्वी में। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसको नाम दिया गया आंग्ल मराठा संघर्ष, है ना। तो ये 3 आंग्ल मराठा संघर्ष हैं जिसको आपको पढ़ना है, जो आपको याद रखना है। पहला होता है 1761 में, और इसका कारण क्या था? सूरत की संधि इसका कारण था। और ये ख़त्म कब होता है? सालबाई के संधि के साथ, और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय की बात करें तो इसका काल जो, देखिए द्वितीय और तृतीय आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा तो वो हमेशा प्रथम का पूछा जाएगा। तो द्वितीय की बात करें तो 1803 में से 1806 के बीच में हुआ, और ये बसीन की संधि इसका मेन कारण था, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और इस संधि के हिसाब से पेशवा जो थे वो अंग्रेजों की जो संरक्षकता थी उसको स्वीकार कर ली थी, और इसके हिसाब से अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में फिर से स्थापित करने के लिए लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की सुरक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वायदा करते हैं, और इसके बदले में पेशवा को 26 लाख रुपया हर साल अंग्रेजों को ऐसा क्षेत्र देना पड़ा, ऐसा एरिया देना पड़ा जिसे 26 लाख रुपए की आय होती थी। ठीक है, तो बसीन की संधि मेन कारण था 1803 मतलब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। और इसके बाद इस युद्ध की समाप्ति कब होती है? राजघाट की संधि के साथ, राजघाट की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है, और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? जॉर्ज बार्लो। तीसरा युद्ध होता 1817 से 1818 में, और यही लास्ट युद्ध था, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर थे। और इसके बाद तृतीय आंग मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का दी एंड हो जाता है भारत से, है ना। तो यही रहा मराठा के बारे में। आई होप आपको सेशंस काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, आप अपनी नोट्स बनाते चल रहे होंगे और प्रॉपर आपका रिवीजन हो रहा होगा, है ना। इस संडे को क्लास ऑफ रहेगी, जैसा आपको मैंने बताया भी था यार, मैच वैच है इंडिया पाकिस्तान का, थोड़ा मजे वजे करो, है ना। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हांगकांग से तो जीत ही जाएगी यार पाकिस्तान। तो चलते हैं, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।